हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टाइल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक सिरप का रिव्यू करूंगी जिसका नाम है साइपन सिरप। आप सब जानते होंगे क्योंकि ये एपेटाइट बूस्टर सिरप है, भूख बढ़ाने का मदद करता है ये सिरप। ये सिरप 200 ml के पैक में आता है। इसका प्राइस है 98 रुपीज़। ये डॉक्टर रेकमेंड किए थे मेरे बेटे के लिए क्योंकि हम सबको कोविड पॉजिटिव हो गया था, मतलब मेरे हस्बैंड को और मुझे। तो मेरे बेटा को भी बुखार था, तो इसीलिए उसका 2 दिन फीवर था, उसके बाद वो ठीक हो गया था। तो फीवर ठीक होने के बाद उसको भूख ही नहीं लग रहा था, उसको खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना दूध पीता था। इसलिए हम फिर से उसको डॉक्टर को दिखाए थे, तो वहीं डॉक्टर ये साइपन सिरप रेकमेंड किए थे भूख बढ़ाने के लिए। तो इसको हमने स्टार्ट किया था क्योंकि वो दिन में 2 टाइम ही बोले थे, एक सुबह खाने से पहले आधा घंटा पहले और रात को डिनर करने से आधा घंटा पहले 5 ml देने के लिए बोले थे। तो दोस्तों, इसको हम 2 महीना यूज़ करने के बाद ही इसका रिव्यू मैं आज दे रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये सिरप है, बड़े छोटे सब इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम है या आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप बड़े भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बड़े का डोजेज अलग है और छोटे बच्चे का डोजेज अलग है। तो जो छोटा, जो मेरा बेटा 3.5 साल का है, तो उसको 5 ml रिकमेंड किए थे डॉक्टर 2 टाइम। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला दोस्तों, क्योंकि उसको भूख बढ़ने लगा, उसको खाने में इंटरेस्ट हुआ, वो खूब मांग मांग के खाना खा रहा है। इस सिरप को बड़े और छोटे उसको ले सकते हैं, उनका अलग अलग डोजेज है, बड़े के लिए अलग और छोटे बच्चे के लिए अलग है। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है, जैसे इसमें है साइप्रोहेप्टाडाइन है, हाइड्रोक्लोराइड है, ट्राइकोलिन साइट्रेट है और सॉर्बिट्रॉल सिरप है। ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुआ है। तो सॉर्बिट्रॉल जैसे एपेटाइट बूस्टर है, आपको भूख को ये बढ़ाता है, साथ ही साथ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बहुत अच्छा कर देता है, और आपको अगर कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। तो ऑल इन वन ये बेस्ट सिरप है, बड़े छोटे दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें। अगर 5 साल के कम बच्चे को आप देना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से सलाह कर लीजिए, उसके बाद दे दीजिए, क्योंकि बच्चे का अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बच्चों को कुछ भी चीज़ देने से पहले हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये आजकल जो बच्चे हैं 3 से 4 या 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको भूख नहीं लगता है, वो खेलने कूदने में इतना बिजी रहते हैं कि उनको खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। एक मोबाइल और एक इशू है कि बहुत टाइम मोबाइल टीवी में बिजी रहते हैं, गेम देखते हैं, उसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट सिरप है। तो इसको मैं रिव्यू दूंगी कि 10/10 ही दूंगी, क्योंकि ये अच्छा वर्क किया है मेरे बेटे के लिए, उसको भूख बढ़ाने में ये काफ़ी मदद किया है। क्योंकि मैं बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसको भूख ही नहीं लग रहा था, मतलब उसको बुखार होने के कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन तक वो कुछ खाना ही नहीं खाना चाहता है, ना दूध पीना चाहता था। तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट दिया मुझे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू।